तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि राइडर साहब ऐसे क्यों चल रहे हैं? गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं बहुत मसूरी के पास, जगह का नाम नहीं पता क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम है। व्यू आप देख लो, बहुत थक गया हूं मैं, मेरा दिल कुछ करने का है नहीं, वो तो आपके प्यार प्रेम में मेरे को ब्लॉग बनाना पड़ रहा है। और ये हमारे भाई अश्मीर भाई, भाई स्कूल मजा आ रहा है यार, आओ निकल लो, आओ घूमो मजे लो भाई। ये दानिश भाई तो कुछ एंजॉय कर रहे हैं हम, अब जाएंगे थोड़ा सा आगे, मिलेंगे होटल में आपसे। गाड़ी चेक करो गाइस, कल बहुत सारी चीज दिखाने वाले हैं, अभी बहुत सारी चीज नहीं दिखाएंगे भी आपको। एक चीज का नाम ले दूंगा ना भाई, हम जाने वाले पता कहाँ, सबसे कैड़ी जगह मसूरी जा रहे हैं ना, मसूरी में यार वहाँ नहीं गए तो कहीं नहीं गए। जगह का नाम तो बताओ, भट्टा फॉल। ये क्या है आपने मसूरी गए? अश्मीर भाई तुमने सुना है मसूरी? आप भट्टा, ये ले कट्टा, ले कट्टा लाओ कट्टा। तो गाइस ठीक है, मस्ती के बाद मिलते हैं थोड़ी देर बाद आपसे। गाइस होप करता हूँ आपकी भी गुड मॉर्निंग मेरी जैसी हो रही होगी। गुड मॉर्निंग गाइस, तो एक बार चेक करो, आज अगर तुम नहीं भी चेक करोगे तो भी चलेगा, बट ये देखो मैं कुछ ऐसी जगह आया हूँ जहाँ आके मैं खो चुका हूँ, मुझे अपना ही नहीं पता, इनका भी नहीं पता। कहाँ से आए हो रे तुम? अरे दिल्ली से आए, देखे हैं दिल्ली के, तो दिल्ली के पास तो बड़ी प्यारी प्यारी जगह है, मसूरी, ऋषिकेश, मनाली, शिमला, अदरक, प्याज, पता नहीं क्या क्या। तो जैसे कि देख सकते हो, वैसे मेरा ब्लॉग बनाने का मन नहीं है पर फिर भी आपके लिए आ चुकी है अपनी नाश्ता, चाय और मक्खन ब्रेड वो रखे, बाकी सब निन्नी कर रहे हैं। तो अब मैं जाऊंगा उस कोने पे जो आपको दिखाई भी नहीं दे रहा फ़ोन पे, उस कोने पे जाना है मुझे आज बाइक से, वहाँ पे कुछ रील्स बनानी है। और ये रेड बुल पता नहीं कौन सा रहा भी ले गया है, पता नहीं चीज़। देखो रेडी हो गया था, निकल रहा था घूमने के लिए, बट सीन देखो मैं अपनी डार्लिंग कैसे निकालूं, मुझे तो कोई ये समझाए, समझ ही नहीं आ रहा मुझे। गाइस मैं तो पक चुका हूँ चीज़ों से और थक चुका हूँ, बाकी व्यू देखो, इसी के तो पैसे हैं डार्लिंग, जब भी तो हमारे जैसा कोई नहीं है। अब मैं इसको कैसे आगे करूँ? भाई इस पल्सर को आगे करो यार। भाई यार ये क्या फिल्म है यार, समझ नहीं आ रही मुझे तो। हाउ इज पॉसिबल, क्या क्या करूं? अश्मीर भाई पकड़ना बाइक, आगे करूंगा तो गाड़ी यहां से अपनी। करना कैसे करनी है गाइस, तो मैंने बाइक इसको स्टार्ट कर दी है, अब अश्मीर भाई कुछ कलाकारी करेंगे। भाई अश्मीर भाई ने कलाकारी कर दी यहाँ पे थोड़ी बहुत, बाकी यार बड़े काम के बंदे। दानिश भाई ने अपनी बाइक निकाल ली, चलिए गाइस मिलते हैं आपसे आगे, अभी तो फिलहाल बाइक निकाल ले रहे हैं। इन वादियों में
तकरार। ये मेरी डार्लिंग जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है मेरी जान। तू मैन हमने बालियो बाइक को काफला ही लगा दिया बाइक के और जगह देखी आपने वो हिल्स की तरफ। तो गाइस ये व्यू देखो एक बार, हमारे साथ है बाकी सब पीछे हैं, कुछ नहीं दिख रहा, सब ब्लैंक है। जगह है बहुत प्यारी है और ये हमारी गाय छोटी सी प्यारी सी नन्नी बहुत अच्छी लग रही है। ये देखिए गाइस मेरी डार्लिंग फुल एंजॉय कर रही है इस टाइम व्यू को। गाइस आ चुके हैं दलाई हिल्स बुद्धा टेम्पल जो कि बहुत खूबसूरत जगह है। जैसे कि आप देख रहे हैं व्यू देखिए गाइस। मैं थोड़ा थका इसलिए हूँ क्योंकि मैं बहुत दूर से पैदल आ रहा हूँ और व्यू देखिए गाइस, राइडर्स साहब इन द हाउस। तो ये मेरी टीम के लड़के खड़े हैं जो कि नल्ले हैं। गरीबों को भीख नहीं देता मैं। गेट लॉस्ट माय ब्लॉग, गेट लॉस्ट, इसको डालना जरूर। किसको? इस क्लिप को। अबे तुम गरीब को अपने चैनल पे थोड़ा दिखाऊंगा। हाँ भाई हम गरीब है, तुमसे कौन कह रहा है। राइडर साहब ऐसे क्यों चल रहे हैं? क्योंकि राइडर साहब 2000 किलोमीटर पैदल आए दिल्ली से। अगर भाई कैमरा सीधा पकड़ गरीब, अरे भाई 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 2000 के अपने घर नहीं आते, 300 किलोमीटर घर पड़ा। 300 किलोमीटर पैदल, अरे कैमरा सीधा पकड़ना। तो हमारे दलाई हिल्स दलाई बुद्धा टेम्पल्स। तो हे गाइस सनी आएगा पीछे का बैकग्राउंड। तो गाइस टेम्पल से पहले थोड़ा सा समीर भाई फोटो शूट कर रहे हैं और जगह देखिए पहुंचना दलाई हिल्स द बुद्धा टेम्पल। यू देखते कैसों को ऊपर का तक तो बहुत हुई सीढ़ी चढ़ के क्योंकि बहुत नीचे से आया हूं। देखना गाइस कोई कंपटीशन है जगह का भाई, कुछ नहीं है ऋषिकेश, कुछ भी नहीं। वो सूर्य के आगे आ चुके हैं बुद्धा टेम्पल द लाई हिल्स। चेक दिस गाइस, यह है कुछ फाइनल व्यू। ये देखिए वाओ, अमेजिंग अमेजिंग, कुछ नहीं है ऋषिकेश, बकवास है सब ऋषिकेश हेलीपैड का। तो अगर ऋषिकेश आओ तो दलाई हिल जरूर आना, बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है। वो मैं टेंपल से नीचे आया था मैगी खाने, तो आप एक बार चेक करो कि मैं कहाँ आ गया। भाई मसूरी बहुत अच्छा है ऋषिकेश से, वाह ऑसम, यही तो चाहिए यार राइडर को, और चाहिए क्या। मेरे को लग रहा है मुझे दो पार्ट बनाने पड़ेंगे। मैगी जो कि बहुत हाई रेट है 60 रुपीज की, अब वो खा के पता चलेगा टेस्टी है या नहीं। बाकी व्यू देखो, तो मैगी वाला विद पहाड़ वाला।